देखिए मैं कैसे बड़े कवि के सम्मान में खड़ा हूँ, जो जिसका नाम होता है बड़े भाई धर्मेश अवचल, जो फरीदाबाद से हमारे बीच आए हैं। लुटाकर जान उनकी भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना। स्वागत। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दताघ्नता जानता संगमे महि मंचस्थ देश के प्रबुद्ध साहित्यकार, मेरे सभी कवि साथी, मंच निश्चित ही समृद्ध है, गौरवशाली है। जहाँ सेना का अनुभव लिए बैठे हमारे बड़े भाई समोद सिंह कमांडो इस मंच पर हैं, वरिष्ठ गीतकार भाई सुरेंद्र पंछी जी हैं, कुशल संचालक मोहित मनोहर जी, गीता माही, वीरस के ओजस्वी कवि भाई सतीश एकांत जी, हास्य व्यंगकार हमारे यशदीप कौशिक जी, और आप सब सुधी श्रोता मात शक्ति सबको प्रणाम नमन। मित्रों, भले ही संख्या छोटी है, कम है, मेरा मानना कुछ अलग है। जहाँ पर लोग ज्यादा होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, वो कौरव होते हैं। जहाँ संख्या कम होती है, वो पांडव होते हैं। तो आज हम पांडवों के बीच कविता पाठ कर रहे हैं, कौरवों के बीच नहीं। आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़ी संख्या में गौरवशाली क्षण है, क्योंकि एक ऐसे महामानव के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम है, जिसने सुसुप्त भारत में राष्ट्र चेतना जागृत की। जी, एक तरफ पाखंड और अंधविश्वास, अंध परंपराएं, अंधश्रद्धा हावी थी, एक हाथ से उसे दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ गुलामी की बेड़ियों में जंजीर हमारी भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए जी युवाओं में जोश भरा, सैनिक तैयार किए। कैसे तैयार किए, आगे कविता में पढ़ेंगे। मित्रों, और मंचों से आर्य समाज का मंच अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, अध्यात्म सुनने वाले श्रोता होते हैं, लेकिन मंचों पर तो और मंचों पर बहुत कुछ होता है। मैं ज्यादा भूमिका में न जाते हुए, तमाम चित्र लगे हुए हैं, भाई सतीश एकांत जी ने इसकी चर्चा की, और राष्ट्र संस्कृति के धर्म रक्षक श्री राम योगिराज कृष्ण, ये चित्र इसी मंच पर देखने को मिलते हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आर्य समाज का ये पावन मंच है। अगर मैं आर्य समाज के संबंध में कुछ पंक्तियां न पढ़ूं, तो निश्चित ही कविता पाठ में अपना अधूरा समझूंगा। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कहां कल्पना कलम लिखेगी, कहां गीत गाएगी, शब्दों की पावन रसधार कहां पर बरसाएगी। कौन करेगा कब सादगी भरा वंदन अभिनंदन, कौन धरेगा स्वागत में अब धूप दीप और चंदन, कौन स्वप्न सी शिखा मनोहर आंखों में लाएगा, कौन भावनाओं से भाव भरे भैरव गाएगा, कौन मंत्र में महामंत्रणा की ध्वनिया साधेगा, कौन मंत्र में महामंत्रणा की ध्वनिया साधेगा, एक सूत्र में कौन मंत्र में महामंत्रणा की ध्वनिया साधेगा, एक सूत्र में कहां कल्पना कलम लिखेगी, कहां गीत गाएगी, शब्दों की पावन रसधार कहां पर बरसाएगी। कौन करेगा कब सादगी भरा वंदन अभिनंदन, कौन धरेगा स्वागत में अब धूप दीप और चंदन, कौन स्वप्न सी शिखा मनोहर आंखों में लाएगा, कौन भावनाओं से भाव भरे भैरव गाएगा, कौन मंत्र में महामंत्रणा की धुनिया साधेगा, एक सूत्र में बिखरे हुए मोतियों को बांधेगा, कौन क्रांत कर करुण क्रंदन मूल सहित काटेगा, जाति भेद रंग वर्ग संप्रदायों को भी छाटेगा, कौन बना सकता भारत को फिर से जग का ताज है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल आर्य समाज है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल आर्य समाज है। मित्रों, जिस महामानव के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम है, मैं इसी गीत को पढूं तो 15-20 मिनट इसमें निकल जाएंगे, इसलिए मुझे उस चीज पर भी आना है जिसके लिए अपेक्षित है ये कार्यक्रम। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ उस महामानव के संबंध में। देखें, चार छंद दूंगा, चार छंद के बाद जिसके लिए भाई मोहित मनोहर ने आदेश किया है। नहीं, नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना मेरा कद और अभी पद नहीं है, जब मैं लाखों ले लगूंगा, जब मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए, स्वागत, तालियां बजाएं भाई के एक बार जोरदार। प्रातः की किरण से हो जाता ते मेरे कना से जग जाता, जगत निरख भानु आगमन,
प्रातः की किरण से हो जाते मेरे कनस जग जाता जगत निरखि भानु आगमन और खिल जाती कलिया भ्रमर करते गुंजान शोभाया भलिये सज जाता सकल चमन कि महाजन आता कोयले प्रभु तू निज जब दानवता धीरे धीरे होने लगती समन ओ प्राण मात्र के कल्याण के लिए बढ़ाता पग सारा विश्व आके आगे करता उसे नमन सारा विश्व आके आगे करता उसे नमन। और अगले छंद पर रोक सकूं तो रोक के दिखाना अपनी ताली कि 1824 में जन्म लिया टंकारा में गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया। 1824 में जन्म लिया टंकारा में गुजरात प्रांत का सौभाग्य बढ़ ही गया और अमृताबाई की धन्य हुई कोख दुनिया में कृष्ण का नेह पावन उमड़ ही गया। कि मूल शंकर उपड़ा था नाम बचपन काल मूल सच जानने को मूल अड़ ही गया और शिवरात्रि को हुआ था सच्चे शिवत्व का बोध सच सच ही रहा वह झूठ उड़ ही गया सच सच ही रहा वह झूठ उड़ ही गया। किया क्या उस महामानव ने ओम ध्वज लेके बड़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को और कुटिल से कुटिल व्यवहार किया पापियों ने पोप झेल नहीं पाए ऋषि दयानंद को। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को। ओम ध्वज लेके बढ़े ऊंचे शिखरों पे चढ़े कोई रोक नहीं पाया ऋषि दयानंद को और कुटिल से कुटिल व्यवहार किया पापियों ने पोप झेल नहीं पाए ऋषि दयानंद को। कि अत्याचारियों से लड़े व्यभिचारियों से भिड़े राष्ट्रवादियों ने माना ऋषि दयानंद को राष्ट्रवादियों ने माना ऋषि दयानंद को और अभी चलो अनुवेद मार्ग को किया प्रशस्त इसलिए है नमन ऋषि दयानंद को इसलिए है नमन। जिंदाबाद जिंदाबाद भी है वाह गजब। पाखंड के शिला खंडों को किया था खंड खंड ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने। पाखंड के शिला खंडों को किया था खंड खंड ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को अबला को सबला बनाया दयानंद ने। वेद पैर की जूती समझा जाता था वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ये है वो है लेकिन एक ऐसा महामानव पहली बार जिसने ओंकार भरी वेद मानव मात्र का अधिकार है वेद पढ़ने का स्त्रियों को अधिकार है सबको अधिकार है। पाखंड के शिला खंडों को किया था खंड खंड ज्ञान का प्रचंड तेज दिया दयानंद ने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया नारियों को अबोला को सबोला बनाया दयानंद ने। कि जात पाती ऊंच नीच बाल विवाह मिटा के जात पाती ऊंच नीच बाल विवाह मिटा के नव शक्ति का संचार किया दयानंद ने और राष्ट्रभक्ति त्याग बलिदान यान मान शान स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई दयानंद ने स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई दयानंद ने। मित्रों ऐसा वो महामान पट्टाभ सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। उन्हें लिखना पड़ा कि देश को आजाद कराने वाले में 85% आर्य समाजी थे हमारा गर्व से सीना फूल जाता। एक पुस्तक लिखी अरविंद घोष ने दयानंद आर समाजियों ने जब सुना कि दयानंद न महर्षि जुड़ा न स्वामी जुड़ा तो नाराज हो गए बोले ये आपने बोले समझो दयानंद को जितने भी उपाधियां हैं संसार की जितने भी विशेषण हैं उन सबसे दयानंद ऊपर है किसी भी विशेषण में उपाधि में नहीं बांध सकते दयानंद को वो महामानव है दयानंद। जर्मनी के दार्शनिक मैक्स मूलर को किसी ने पूछा था 19वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या मानते हैं आप तो जर्मनी का दार्शनिक मैक्स मूलर जवाब देता है 19वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार है इस धराधाम पर स्वामी दयानंद का आना। तो एक बार जोरदार तालियां उस दयानंद के लिए आप बजाएं और मैं आगे कविता की यात्रा शुरू करूं। चाहता हूं लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दूं
चाहता हूँ लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की, सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दूं, करूं वैसे कृति जो हो सबको कल्याण प्रद, मिट सके नहीं पत्थरों पे वो निशान दूं, शब्द शब्द बने मेरा इंकलाब का ही अर्थ, पाए सभी छाया ऐसा सुखद बितान दूं, अभी चलो वन शशि सी विखेरू शीतलता, रवि के समान तप तेज का प्रमाण दो, रवि के समान तप तेज का प्रमाण दो, लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते, ये रात रात भर एक एक छंद में उलझे रहते हैं, क्या समझते हो कि शौक में लिखते हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो इन्हें मजबूर करती है उठ लिख, तब ये जबरदस्ती कलम लेके बैठ जाते हैं। भाई साहब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, आसान नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते, काव्य ही है परम आनंद प्राप्ति का स्रोत, काव्य में महानता के दिव्य गुण रहते, काव्य करता प्रशस्त राह श्रेष्ठ जीवन की, काव्य से सहज दुखों के पहाड़ ढहते, अभी चल जप तप पूजा यज्ञ ज्ञान ध्यान, शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही बहते, शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही बहते, विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं, कविता देती क्या है समझना तात्पर्य, विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं, ऐसा या तुम बल तनों में संजोना चाहिए, भविष्य का फल मिले सुख शांति प्रदायक, बीज वर्तमान में निरोग बोना चाहिए, राष्ट्र का भी हित हो बने समाज भी सशक्त, खुशी खुशी ऐसा भार शीश ढोना चाहिए, अभी चल उज्जवल रहे चरित्र में मिसाल, ख्याल स्वाभिमान का सदा ही होना चाहिए, ख्याल स्वाभिमान का सदा ही होना चाहिए, हम हीन भावना को ग्रसित हो जाते हैं लेकिन नहीं आना चाहिए, तब पढ़ना चाहता हूँ, जारी रहेगा अगर छोड़ो इसे, मैं दूसरा बदलता हूँ। मित्रों जिस ओज की भूमिका बनाई भाई मोहित मनोहर जी ने, मैं उसकी तरफ अब बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, जहाँ मेरा समय पूरा हो जाए बता देना भाई मोहित भाई, वैसे ज्यादा समय लेने का मेरा मन नहीं है। भाई साहब क्रियाक्रम तो मुझे ही करना है, आप पढ़िए। कहाँ कल्पना कलम लिखेगी, कहाँ गीत गाएगी, जिलाध्यक्ष जी जा रहे हैं, धन्यवाद इतना समय देने के लिए आपको, जो भी जा रहे हैं पढ़ो भैया, कहाँ कल्पना कलम लिखेगी, कहाँ गीत गाएगी। जी मित्रों मैं कह रहा था आर समाज का मंच अद्भुत मंच होता है, क्योंकि यहाँ से संस्कार की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है, राष्ट्रभक्ति की बात की जाती है, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या आज संस्कारहीन हमारे बच्चे किशोर और युवा होते जा रहे हैं, ये एक समस्या है। दो छंद पढ़ के सीधा आता हूँ, देखें जी स्वागत भी। कृष्ण मुनियों की परिपाटी जहाँ जीवित है, अभी अमरता की छाई हुई निशानी है, वाह भैया वाह। कृष्ण मुनियों की परिपाटी जहाँ जीवित है, अभी अमरता की छाई हुई निशानी है, ओ प्रेम की पवित्रता में त्याग और योग जहाँ, भोगवादी परंपरा की नहीं कहानी है, गंगा गीता गाय से जुड़ी है जीवन की रीति, सूर तुलसी कबीरा की जहाँ जुबानी है, और एग लेग पैग की हमें न कोई चाहत है, जग में हमारी रीति सबसे पुरानी है, जग में हमारी रीति सबसे, करना क्या है फिर, जिंदाबाद भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए, समाधान जुटाता हूं, रुको आधुनिकता की चलती हुई बयार, अपने अतीत का ही चमन सजाइए, अमृत से परिपूर्ण ही हमारे रंग ढंग, इसमें विषैले गंदे स्रोत न बहाइए, उज्जवल धवल पावन परम पुण्य युक्त जीवन की राहों में न रोड़े अटकाइए, अभी चल सत्य साधना सम्मान स्वाभिमान, संयम के संस्कारों को न भूल जाइए, संयम के संस्कारों को न भूल जाइए। मित्रों तालियां कमजोर हैं आपकी, एक बार जोरदार होता है, लोग लगता है खाना खा के नहीं आए, मैं दो प्रणम छंद और पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत, जब तक आप ताली ढंग से नहीं बजाओगे छंद पढ़ता रहूंगा, रचना नहीं पढ़ूंगा भैया। शंकर के और भूमिका में कहना चाहता हूँ, इस देश में शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा रही,
जब तक शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा बराबर टिकी रही, इस देश धर्म संस्कृति को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। जी, जी। जब शस्त्र कमजोर हुआ तब राष्ट्र को हानि हुई, जब शास्त्र की मर्यादाएं टूटी तब हानि हुई। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। पारथ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमृत का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। तालियां तो अब चाहिए आप। एक ऐसा नाम जिसके आप दीवाने हो। 1857 का संग्राम और मेरठ की बैरकपुर छावनी, उसके बाहर एक सन्यासी पानी पिलाने का काम करता है। ओगड़नाथ उसका उस समय नाम जाना जाता था। एक सैनिक आता है, तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। रमेश, क्या तुम्हें मालूम है जिस कारतूस का प्रयोग करते हो उस कारतूस में गाय की चर्बी लगी हुई है? अंग्रेज तुम्हारा धर्म नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दूसरा सैनिक कहता, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हमीद है। हमीद, क्या तुम्हें मालूम है जिस कारतूस का प्रयोग करते हो उसमें सूर्य की चर्बी लगी हुई है? होठों से मुंह से खोलते हो, ये अंग्रेज तुम्हारा धर्म नष्ट करने पर तुले हुए। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को जगाने का काम किया और वो नाम इस छंद में आएगा। हो सके तो रोकना आता है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। पारथ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की बाड़ी गीता सार को प्रणाम है। और आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडीवन उतरी थी, 57 वाले उस जोश को प्रणाम है। कि झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज, बलिदानियों के बल कोष को प्रणाम है। और नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। और एक छंद, उस महापुरुष के नाम अगर उस 47 में उसको उसके हाथ में सत्ता पहुंच जाती तो आज जो कश्मीर की समस्या लटकी हुई है वो नहीं होती। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। कि मजहब जाति वर्गों में बटे ही लोग आज, उन सब के ही बीच मेल मांगता हूं मैं। मजहब जाति वर्गों में बटे ही लोग आज, उन सब के ही बीच मेल मांगता हूं मैं। और तोड़ मानवता की हदों को छीनते अमन, ऐसे आतताइयों को जेल मांगता हूं मैं। कि पद पाके लूट रहे देश को जो नेता आज, उनकी ही नाक में नकेल मांगता हूं मैं। अभी चल राजनीति में है जोश का अभाव, इसलिए फिर से पटेल मांगता हूं मैं। इसलिए फिर से पटेल मांगता हूं। पटेल के इस देश में मित्रों जब तिरंगे को जलाने का काम होता है, बधाई देना चाहता हूं भ्रातश्री को जो लाल चौक पर तिरंगा फहरा के निर्भीकता के साथ, जब इस देश में तिरंगे को जलाने का काम होता है, बंदे मात्र पर रोक लगाने की काम होता है। और हद तो तब हो जाती है जब संवैधानिक पद पर जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि ये देश रहने लायक नहीं। तब पढ़ना चाहता हूं वैसे देशद्रोहियों के लिए कि जला के तिरंगा फहराते पाकिस्तानी ध्वज, भारती के सिंदूर को मिटने न दीजिए। भारती की वंदना पर रोक भी लगा रहे ही, दुष्टों के हाथों लाज लुटने न दीजिए। कि भारतीय ताका फैलो विश्व में जो यश पट, कैसे भी करो इसे सिमटने न दीजिए। रही इस देश में बजाबे उस देश की जो, ऐसे गद्दारों को यार टिकने न दीजिए। ऐसे गद्दारों को यार टिकने दीजिए। मित्रों सैनिकों की बात हुई, एक सैनिक जब सीमा पर लड़ता है पूरे छत्र के साथ, तो यह कहा जाता है कि भारत का सैनिक कभी पीठ पर गोली नहीं खाता, पूरे छत्र के साथ लड़ता है। उसका कारण है वो अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ तमाम संवेदनाएं लड़ती हैं। माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिता का दुलार लड़ता है, बहन की राखी लड़ती है और उसके आंगन की किलकारियां लड़ती हैं। तब कुछ पंक्तियां निकलती हैं सीमा पर डटे हुए सैनिकों के लिए। मेरी कलम
तब पंक्तियां लिखते हैं कि राष्ट्र असीमता जिनको प्यारी बेसीने अड़ जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से, उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से, लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं, स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में न कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो, बंदे मातरम मुख से निकले भारत माता की जय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता जनगण मन भी निर्भय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता जनगण मन भी निर्भय हो। और गीत का एक पहला बंद मात्र, दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को, देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया स्वर्ण अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा, दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। मित्रों, एक सैनिक का शव आता है परिवार में, तमाम संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, माँ क्या कहती है, पिता क्या कहता है, भाई क्या कहता है। एक छंद में मैंने पिरोने की कोशिश की है, माँ ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूत का उतार कर चला गया तू। माँ ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूत का उतार कर चला गया तू। पिता बोले मेरी मूछ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ा कर चला गया तू। भाई बोला मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श, बलिदान उबाली राह बत्ता चला गया तू, बलिदान उबाली राह बत्ता चला गया तू, जिसने भी देखा सुना सबने कहिए बात, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू। अब मैं उसी गीत पर सीधे सीधे पढ़ो। जिंदगी की सत्यता पे आगुमत डालिए, भूल कर भी घरों में नागुमत पालिए, अपने अतीत की भी शुद्धता न रोकिए, ऋषि मुनियों की साधना को मत टोकिए, जी रहे लोग जिंदगी को भार मान कर, बढ़े जा रहे ये पाखंड का छाता तान कर, कैसे कही आज सुख से भरी है जिंदगी, अंदर से भारी दुख से भरी है जिंदगी, दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, आदमी के खून का प्यासा है आज आदमी, पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते ही भाई भाई की संपत्ति को, पति पत्नी में भी विश्वास का अभाव है, बाप बेटे में भी सत्य का नहीं लगाव है, पैसा मापने लगाए संबंधों के रास्ते, संबंधों के खून होते पैसे के ही वास्ते, प्राण ही न हो रहे मूल्य आज देखिए, रिक्त हो रहे सारे स्वर साज देखिए, आत्मा को बेच कर लोग पेट पालते, फांसने को दूसरों को जाल चक्र डालते, बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, स्वार्थ भावों में नीतियों को मोड़ा जा रहा, शाश्वत सनातन को भी छोड़ा जा रहा, हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, मासूम मदिरा कायम हो गया है प्रचलन, टूटते कुटुंब मिथ्या प्रेम रूप हो गया, शांत साधु भावना का राग कहीं खो गया, प्रेम से बड़ा हो गया संपदा का मान, अब अहंकार पोषने का साधन है ज्ञान, तोड़ दिया है संबंध धर्म से विज्ञान ने, है बना ली ध्वंसकारी वस्तु इंसान ने, पार्श्विक वृत्तियों का बोलवाला हो गया, देवता था नर आज पूरा दैत्य हो गया, विज्ञापन ने किया है संस्कृति का चरण, हो रहा है मात्र शक्ति के सतीत्व का हरण, नारियों की जिंदगी तबाह होती जा रही, धीरे धीरे अपना सम्मान खोती जा रही, धर्मचारिणी विवेकी भी दूषित थी नारियां, शक्ति कोश जोश होश से भरी थी नारियां, किंतु नारी नारी के ही नाश पे तुली है आज, भ्रूण हत्या से गिरा है नारियों का साज ताज, दे दिया विज्ञान में है पाप युक्त रास्ता, होके अंधे तोड़ दिया मूल्यों से वास्ता, घर घर ना रहे मकान सारे हो गए, चैन और आनंद के सामान सारे खो गए, बालकों को बूढ़ों से लगाओ फीका हो गया, सेवा भावना वाला सलीका कहीं खो गया, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं,
गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार। और मित्रों, संस्कारों का शरण क्यों हुआ? क्योंकि चौपालों पर जो कहानी किस्से होते थे उन्हें हमने छोड़ दिया। कहानी किस्सों में बात बात में संस्कार मिलते थे। भूमिका में न जाते हो, सीधा पढ़ना चाहता हूँ। दादी नानी की कहानियों का हो गया अभाव, घर घरों में सिनेमा से हुआ भारी लगाव, चौपालों की रीत नीति भी पुरानी हो गई, अपनी जो चीज थी वो भी वीरानी हो गई, वैभव विलासता में लोग अंधे हो गए, सेवा भावना वाले नियम धंधे हो गए, जिंदगी में वासना की बढ़ रही आंधिया, प्रेम को रोगी बनाती जा रही ये व्याधियां, मानसिकता के सारे सूत्र साज भंग है, शानदार अतीत के फीके अब रंग हैं, सुचिता की वेल क्षतिग्रस्त होने लगी है, शांति अपना सरल उमार खोने लगी है, लगता है मानवता बांझ होती जा रही, नीति और मूल्यों की सांझ होती जा रही, आज प्रेम के तरीकों में भरी है गंदगी, ऐसी जिंदगी को कैसे करें हम बंदगी, शारदा के बीड़ा की झनकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकारों मांगता हूँ मैं, कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गुरु शिष्य का संबंध स्वार्थमयी हो गया, साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का अभाव है, आध्यात्मिकता से राह न लगाओ है, पढ़े लिखे आदमी में आदमीयता नहीं, शिक्षित कहीं ऐसी बची है साधुता नहीं, मानवता यही लोग कर रहे तार तार, दिन दिन बढ़ा रहे पाप ताप का ही भार, व्यभिचार बढ़ रहा इनके सहयोग से, त्राय त्राय मच रही इनके ही भोग से, सनातन संस्कृति को न पहचानते, अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं जानते, मातृभूमि मातृभाषा से इन्हें प्यार ना, वेद शास्त्र गीता का ये जानते ही सार ना, ये तो पाश्चात्य सभ्यता के ही गुलाम है, करके कुकृत करे देश बदनाम है, सुरा सुंदरी के उपभोग में ये मस्त है, राष्ट्र संपदा को लूटने में सिद्ध हस्त है, सोचिए कैसे रहेगा जिंदा अपना वतन, यदि नष्ट हो जाएंगे सारे मूल्यों के रतन, संस्कारों की जरूरी है शिक्षा में बाध्यता, बच पाएगी तभी संस्कृति और सभ्यता, खान पान वेशभूषा सादगी से युक्त हो, मेरा देश पाश्चात्य सभ्यता से मुक्त हो, राम के धनुष की टंकार मांगता हूँ मैं, राम के धनुष की टंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता। और मित्रों, अंतिम बंद, ये देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक इस देश का अन्नदाता खुशहाल न हो, तब पढ़ना चाहता हूँ। अन्नदाता के घरों में अन्न का अभाव है, शासन की नीतियों का कैसा दुष्प्रभाव है, श्रमिकों के अधिकार खा रही हैं कुर्सियां, गरीबों का खून पी से हार रही हैं कुर्सियां, ऊंची ऊंची कोठियों की झोंपड़ी शिकार है, चल रही आपाधापी की ऐसी बयार है, राजधर्म का नियम स्वप्न होता जा रहा, बड़ा अपने बड़पन को खोता जा रहा, छल फरेब झूठ की घेरी हुई है खाइयां, रोग को बढ़ाने वाली आ रही दवाइयां, कुर्सियों का ही विकास देश का विकास है, कैसे करें देश की सत्ताओं पे विश्वास है, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का संहार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं।